बीजापुर में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के अब तक 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार है, इस स्थिति के लिए शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस्तर के हर गांव को बुनियादी जरूरतें मिलें। हमें समझना होगा कि क्यों नहीं चाहता कि बस्तर के गांवों तक विकास पहुंचे। वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी के शासन में नक्सली हमले बढ़ रहे हैं, बस्तर में अशांति की स्थिति है। अगर आदिवासी समुदायों को निशाना बनाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। वेपन्स भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं, परसों एक और दूसरे जिले का था और गंगालूर क्षेत्र में विजयपुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए हैं। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर में नक्सल गतिविधियां बढ़ चुकी है, फिर से बस्तर अशांत हो चुका है और एक टारगेट किलिंग करे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों को टारगेट अगर करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और सेलेक्ट एनकाउंटर करे, टारगेट एनकाउंटर करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।